शराब घोटाले में सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड, 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर भेजे गए संजय सिंह। ईडी ने संजय सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बताया। ईडी ने कहा संजय सिंह के घर पर हुई पैसों के लेन देन। संजय सिंह से सीसीटीवी कवरेज वाली जगह पर होगी पूछताछ, हर 48 घंटे में होगी मेडिकल जांच, वकील से कर सकते हैं मुलाकात। पेशी के दौरान संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधन शाना कहा, चाहे फांसी पर चढ़ा दो मैं डरने वाला नहीं हूं। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधन शाना कहा, हमारे नेताओं पर लगे सारे केस झूठे हैं, एजेंसियों की जांच में कुछ नहीं निकला। 12 अक्टूबर को होगी मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शराब नीति से जब पार्टी को लाभ तो पार्टी आरोपी क्यों नहीं। दिल्ली में फर्जी दस्तावेज पर बहाल टीचरों के मामले की होगी सीबीआई जांच, एलजी सक्सेना ने सीबीआई जांच और शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश दिए। एसपी नेता अबू आजमी के ठिकानों पर आईटी का छापा, मुंबई लखनऊ वाराणसी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। महादेव बेटिंग ऐप केस में बॉलीवुड स्टार श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा को समन, ईडी ने रायपुर में पूछताछ के लिए बुलाया। एक्टर रणबीर कपूर ने ईडी से मांगा 2 हफ्ते का समय, रायपुर ईडी दफ्तर में रणबीर कपूर की होनी है पेशी। राहुल गांधी की तुलना रावण से करने पर भड़के केसी वेणुगोपाल, कहा राहुल गांधी की हत्या कराना चाहती है बीजेपी। सीएम गहलोत का पीएम मोदी पर निशाना, कहा राहुल और सोनिया की विश्वसनीयता से डरते हैं पीएम मोदी। आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की हिरासत बढ़ गई है, कौशल विकास घोटाला मामले में 19 अक्टूबर तक हिरासत बढ़ी है। एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर आज सुनवाई, ईसी के सामने पेश होंगे शरद और अजित पवार गुट। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी यशोधरा राजे सिंधिया, एमपी के शिवपुरी में यशोधरा राजे ने ऐलान किया, मां राजमाता सिंधिया को याद करके भावुक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में फैसला सुरक्षित रखा, 7 जजों की संविधान पीठ कर रही थी सुनवाई। बिहार जाति जनगणना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कई संगठनों ने जाति जनगणना पर आपत्ति जताई। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए एसआई को और वक्त मिला, वाराणसी कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया। भारी बारिश के बाद सिक्किम का बुरा हाल है, सिंगतम समेत कई पुल टूट गए हैं, कई इलाकों में सड़कें भी धस गई। तीस्ता नदी को लेकर सिक्किम सरकार ने जारी किया अलर्ट, लोगों को नदी के पास नहीं जाने की सलाह दी। सीरिया के इदलिब में भीषण बमबारी, सीरिया की सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाया, हमले में कई आतंकी ठिकाने तबाह। सीरिया में मिलिट्री कॉलेज में ड्रोन से हमला हुआ, ड्रोन हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 240 घायल, इस घटना पर यूएन ने चिंता जाहिर की। सीरिया में मिलिट्री कॉलेज में समारोह के दौरान हमला हो गया, सीरिया के विद्रोही गुटों ने ड्रोन से हमला किया। सीरिया में अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स ने तुर्की के ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन ने अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की थी। खार्किव में रूस का भीषण हमला जारी है, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस कर रहा है विध्वंसक बमबारी। दक्षिण कोरिया में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो सामने आया, पोचेन सी से पानी भर रहा था हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत।